हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाइडर जी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में देख रहे हैं। ये जो टेक्निक है इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। आइए हम इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझिए, मेरे पास यहाँ पर एक प्लाज्मिड है जो कि एक वेक्टर है। इस वेक्टर में मेरे को यहाँ पर एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है और इस फॉरेन डीएनए की मुझे बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे प्लाज्मिड लूँगी। प्लाज्मिड को एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूँगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करेगा। तो यहाँ पर ये मॉलिकुलर सीजर्स भी होते हैं, ये स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करता है। कट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कट लग चुका है। अब इस फॉरेन डीएनए को मैं इस जगह पे पुट करूँगी। अगर यहाँ पर ये फॉरेन डीएनए आ गया इस जगह पे तो इस प्लाज्मिड को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और वहीं अगर यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है इसने फॉरेन डीएनए को लेने की जगह ये सेल्फ लाइगेट ही हो गया, यानी कि इसने खुद ने ही लाइगेशन कर लिया, तो फिर हम इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कि जहाँ इसको डीएनए को लेना था फॉरेन डीएनए को तो लिया नहीं, इसने खुद ये लाइगेट हो गया। एक बार यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया में। तो ये प्लाज्मिड होगा, जो भी प्लाज्मिड होगा मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी बैक्टीरिया में, और फिर हम इस बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। इस बैक्टीरिया की कॉपीज़ बनेगी, यानी कि इस प्लाज्मिड की इस डीएनए की भी कॉपी बनेगी अगर ये डीएनए गया है तो। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस प्लाज्मिड के पास ये फॉरेन डीएनए गया है और किस प्लाज्मिड के पास ये फॉरेन डीएनए नहीं गया है। किस बैक्टीरिया के पास ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया और किस बैक्टीरिया के पास ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया। ये चीज़ जब हमें फाइंड आउट करनी होती है तब हम ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एक स्क्रीनेबल मार्कर यूज़ करती हूँ। स्क्रीनेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, ऐसा मार्कर जो कि मुझे कलर दे सकता है और कलर देकर मुझे ये बता सकता है कि कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ और कौन सा बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है। किस तरीके से कहानी चलती है अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मिड था उसके पास एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है, लैक जेड जीन। इस लैगजेड जीन पे मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया। अगर यहाँ पर लैगजेड जीन कट हो चुका है तो इसका जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो प्रोटीन अब इस कंडीशन में नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है ये इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा, फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ जाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, यानी कि लैगजेड जो है वो अब अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दूसरी तरफ अगर ये जो प्लाज्मिड है ये सेल्फ लाइगेट हो गया तो इस कंडीशन में लैगजेड वापस से जुड़ गया, तो इस कंडीशन में लैगजेड अपना प्रोटीन बना लेगा। अब यहां पर हमने क्या किया, इसको इन प्लाज्मिड्स को हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। एक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, यानी कि उसके लैगजेड प्रॉपर प्रेजेंट है, और एक यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यानी कि उसका जो लैगजेड है वो टूट चुका है, तो वो यहाँ पर कोई भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि उसका जीन टूट चुका है, उसका जीन दो हिस्सों में टूट गया और यहाँ पर एक फॉरेन डीएनए आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे फर्क पता लगाना है इसका और इसका। मुझे यहाँ पर देखना है कौन सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ, कौन सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ। तो मैं यहाँ पर इन बैक्टीरिया को ग्रो करूंगी पेट्री प्लेट में। इस पेट्री प्लेट में मैं अगार डाल दूंगी ताकि बैक्टीरिया ग्रो हो सके, और उसी के साथ साथ मैं एक प्यारा सा सब्सटेंस डाल दूंगी एक्सकैल, क्योंकि ये जो एक्सकैल है ये मुझे बता पाएगा कि कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है। अभी किस तरीके से करता है आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ लैक ऑपेरॉन का। एक्चुअल में जो लैक जेड है वो लैक ऑपेरॉन का पार्ट होता है, यानी कि जो लैक जेड है ये जीन है जो कि लैक ऑपेरॉन का पार्ट होता है। ये क्या करता है, जो लैक जेड है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक एंजाइम है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर क्या, एक एंजाइम है। ये एंजाइम अब क्या करेगा, ये जो मैंने एक्सकैल दिया था ना इसके ऊपर एक्ट करेगा। किस तरीके से एक्ट करेगा, ये यहाँ पर क्या करता है, जो एक्सकैल है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindole में, इसमें कन्वर्ट कर देगा।
जब ये बनेगा ना, ये अपना डाइमराइजेशन कर लेगा, यानी कि दो सेम मॉलिक्यूल आके एक दूसरे से पेयर कर लेंगे और क्या बनाएंगे, 5-5 डाई ब्रोमो 4-4 डाई क्लोरो इंडिको. और ये जो यहाँ पे कलर होगा ये ब्लू कलर का होगा. एक्सकेल कैसा था, एक्सकेल यहाँ पे कलरलेस था और ये यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर का. ये कब ब्लू कलर का पिगमेंट बनेगा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा, जब लैक सेड प्रेजेंट होगा तब यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और तब यहाँ पे ब्लू कलर बनेगा. और ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन उन प्लाज्मिड्स में आएगी जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड थे, क्योंकि उन्हीं में ही यहाँ पे लैक सेड बिल्कुल परफेक्टली प्रेजेंट है. वहीं जिनमें यहाँ पर फॉरेन डीएनए आ चुका है उनमें लैक सेड नहीं है, तो उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा. तो यहाँ पर जो अब हमें बैक्टीरिया मिलेंगे दो तरीके के मिलेंगे. एक बैक्टीरिया हमें मिलेगा ब्लू कलर का. ब्लू कलर का क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनमें लैक जेड प्रेजेंट है. लैक जेड प्रेजेंट होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने किसको कन्वर्ट कर दिया, एक्स कैल को कन्वर्ट कर दिया है हमारे प्यारे से ब्लू कलर के सब्सटेंस में. जहां पे लैक जेड था ही नहीं तो वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा, तो वहां पे कोई ब्लू कलर नहीं आएगा, वहां पे व्हाइट कलर ही लेगा, क्योंकि एक्स कैल ही प्रेजेंट है. एक्स कैल कोई कलरलेस सब्सटेंस होता है, तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का ही रहेगा. तो अगर मैं यहाँ पर पेट्री प्लेट में अच्छे से देखूंगी तो पेट्री प्लेट में मुझे कैसे मिलेंगे, पेट्री प्लेट में आप देख सकते हो मुझे दो तरीके के बैक्टीरिया आराम से दिख रहे हैं. एक मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर के बैक्टीरिया मिल रहे हैं, ये देखिए व्हाइट कलर के बैक्टीरिया. ये जो व्हाइट कलर के बैक्टीरिया ये मुझे क्या बता रहे हैं, व्हाइट कलर के बैक्टीरिया मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लैक सेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाया. बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर नहीं बन पाया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डीएनए आ चुका है, फॉरेन डीएनए यहाँ पर आ गया था. तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इसके पास प्रेजेंट है फॉरेन डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके पास प्रेजेंट है. वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी तो इसका मतलब है कि लैक सेड प्रेजेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, उसका मतलब है कि फॉरेन डीएनए यहाँ पर नहीं आया था. अगर फॉरेन डीएनए यहाँ पर नहीं आया, यानी कि यहाँ पे जो प्लाज्मिड आया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया, तो इसलिए मुझे कौन से कलर की कॉलोनी मिल रही है, ब्लू कलर की. तो इस तरीके से इसको स्क्रीनेबल मार्कर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कलर को स्क्रीन कर सकते हो. दूसरी चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना कौन से बैक्टीरिया को आप कर सकते हो डिस्टिंग्विश, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है. अब ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया में आपको ये देखना है कि उसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया, उस कंडीशन में आप यहाँ पे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हो. सो आई होप गाइस आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.